डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? सिनेमा घरों में कब देखने को मिलेगी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद कैंपियंस रीमेक का इंतजार। काफ़ी दिनों से आमिर सोशल मीडिया के लाइमलाइट बने हुए हैं। आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं, जिसके लिए वे बहुत से प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले हैं। जैसे रेड एफएम पर भी आमिर ने आने वाली फिल्म को प्रमोट किया है, जो अगस्त में रिलीज हो जाएगी। आमिर ने कुछ समय पहले अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने फिल्म कैंपियन रीमेक का अनाउंसमेंट कर दिया था। अब देखना यह होगा कि फिल्म पर काम कब शुरू होगा, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के बाद फैंस का उनकी अगली फिल्म का इंतज़ार तो बना ही रहता है। और गजब की बात तो ये है कि लाल सिंह चड्ढा और कैंपियन दोनों ही फिल्में रीमेक हैं। आपको बता दें, आमिर खान एक वक्त पर एक ही फिल्म करना पसंद करते हैं। ये ज़्यादा फिल्में करने से ज़्यादा पसंद करते हैं कि फिल्म चाहे एक ही करो, लेकिन ऐसी करो कि पब्लिक के दिलों में फिल्म की तस्वीर छप जाए। आमिर एक बार में एक से ज़्यादा फिल्म नहीं करते, इसलिए इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। ये कोई भी काम करते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर मोगुल फिल्म के लिए काम शुरू करेंगे, जो एक से दो साल में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आमिर अपनी स्पैनिश फिल्म की रीमेक, जो स्पोर्ट्स ड्रामा पर बेस्ड है, पर काम शुरू करेंगे। आप मान सकते हैं कि ये फिल्म दो से तीन साल बाद सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। साल 2025 तक कैंपियंस रीमेक के फैंस को करना होगा इंतजार, लेकिन आप निराश मत होना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये फिल्म जल्द ही आपको पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में आमिर के ऑपोजिट लीड रोल के लिए अनुष्का शर्मा के नजर आने के पूरे चांस हैं। फैंस को अनुष्का और आमिर की जोड़ी फिल्म पीके के बाद से ही काफी पसंद है। इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई है, और एक बार फिर इनको साथ देखने के लिए इनके फैंस बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा के फिल्म में कास्ट करने की खबरें तो काफी आ रही हैं, लेकिन अनुष्का ने अभी तक फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुष्का के अलावा कोई दूसरी एक्ट्रेस भी आमिर खान के ऑपोजिट नजर आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कौन होगी वह एक्ट्रेस, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।